हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। उद्योगों को सभी उचित एवं पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने से उत्पादकता में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा और बेरोजगारों को आय का एक स्रोत मिलेगा। इसे प्राथमिकता दी जाए और उद्योगों को सभी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, इस आशय का आह्वान जिलाधिकारी आर विमला ने किया। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिला उद्योग मित्र समिति एवं जिला उद्योग केंद्र की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता की दृष्टि से बीएमए हॉल बुट्टीबोरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसी बैठक को वे संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर बुट्टीबोरी के मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, उद्योग के संयुक्त निदेशक गजेंद्र भारती, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शिवकुमार मुद्दमवार, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन लोनकर, प्रशांत मिश्रम, एसोसिएशन के पदाधिकारी और संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को क्षेत्र में अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना चाहिए और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। साथ ही हिंगना नगर पंचायत के प्रधान ने जिला कलेक्टर को एसटीपी के संबंध में 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन स्तर पर तत्काल भेजने और उस पर अमल करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार को यह कहा कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने संबंधी मनसे की चेतावनी के मद्देनजर राज्य की पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करते हुए सरकार को 3 मई तक इन्हें हटाने की चेतावनी दी थी। पाटिल ने नागपुर में पत्रकारों से कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उनके रिपोर्ट देने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्री से 3 मई के बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से संबंधित खुफिया जानकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, हम पूरी तरह तैयार है और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए कदम उठा रहे हैं। पाटिल ने कहा कि यदि किसी बयान या कार्रवाई से नफरत का माहौल बनता है या समुदायों के बीच शांति भंग होती है तो संबंधित व्यक्ति, पार्टी या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शहर राकापा कार्यकारिणी की बैठक में आगामी मनपा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को सीख देते हुए कहा, एक प्रभाग की जिम्मेदारी एक ही पदाधिकारी संभाले और अच्छी सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर अधिक से अधिक सीटें जीतने की तैयारी करे। जानकारी के अनुसार बैठक में जब उन्होंने पदाधिकारियों से अपनी बात रखने को कहा तो कुछ ने चुनाव में 2 से 3 प्रभागों से अपने कैंडिडेट चुनकर लाने की गारंटी देनी शुरू की। इस पर पाटिल ने उन्हें कहा कि एक बंदा एक ही प्रभाग की जिम्मेदारी संभाले और जिन प्रभागों में उम्मीदवार नहीं वहां संगठन को मजबूत करने का कार्य तेजी से करे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रभाग की जिम्मेदारी संभाले वही कैंडिडेट भी देखेगा और उसे चुनकर लाने की जिम्मेदारी भी उठाएगा। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से उन्होंने कौन कौन चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी संभालेंगे इसकी जानकारी मांगी थी। शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने शहर संगठन और मनपा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान श्रीकांत घोगरे, रमन ठोकर, रमेश चंद्र बंग, शब्बीर अहमद विद्रोही, सुबोध मोहिते, प्रशांत पवार, श्रीकांत शिवनकर, वर्षा श्यामकुले, रमेश फुले, जावेद हबीब उपस्थित थे। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दिवस 1 मई को विदर्भवादी इस बार विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे। मंगलवार को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वामनराव चटप ने बताया कि 1 मई को काला दिवस और विदर्भ के साथ विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन विदर्भ के 11 जिलों में 120 तहसीलों में सरकारी कार्यालय के सामने लगे बोर्ड पर महाराष्ट्र मिटाकर विदर्भ का स्टिकर लगाया जाएगा। सभी विदर्भवादी नेता, कार्यकर्ता हाथ पैर और सिर में काला फीता बांधकर गुलामी का निषेध करेंगे और जनता तक जानकारी पहुंचाएंगे। नेशनल हाईवे पर मलकापुर से देवरी तक विदर्भ राज्य के बोर्ड लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र हटाओ विदर्भ मिलाओ का नारा दिया जाएगा। बैठक में प्रकाश लड्ढा, तात्या साहेब मते, मितिन भागवत, राहुल साखरकर, ज्ञानचंद सहारे, गणेश कुसराम, किशोर कुंजेकर, रेखा निमजे, सुनील वड़सकर, पुरुषोत्तम पाटिल, सुयोग निलदावार, किशोर कामुने, रमेश गजबे सहित बड़ी संख्या में विदर्भ भर से आए पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर की जल समस्या हल करने के लिए मनपा ने विभिन्न स्तर पर उपाय किए हैं। विशेष रूप से गर्मी के दिनों में झोपड़पट्टी परिसर में पेयजल की समस्या निर्मित होती है।
अतः इन परिसरों पर विशेष ध्यान देकर पूरी क्षमता से जलापूर्ति करने और जहां भी जल संकट हो वहां पर टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने संबंधित अधिकारियों को दिए। मंगलवार को मनपा मुख्यालय में पानी की समस्या और उपायों को लेकर आयुक्त ने समीक्षा बैठक ली। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, जल प्रदाय विभाग के कार्यकारी अभियंता श्वेता बैनर्जी, श्रीकांत वाईकर, मनोज गणवीर, OCW के CEO संजय रॉय, राजेश कालरा आदि उपस्थित थे। आयुक्त ने कहा कि मनपा शहर में पूरी क्षमता से जलापूर्ति का प्रयास करती है, इसके बावजूद कुछ हिस्सों में जल समस्या होने की शिकायतें आती है। अतः जलापूर्ति सुचारू करते समय पानी की समस्या पर अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की राय जानना चाहिए। इसके लिए हर दिन जलापूर्ति को लेकर लोगों को क्या कहना है, इसका लेखा जोखा तैयार करने की हिदायत अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण पानी का उपयोग अधिक होता है, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 अप्रैल को नागपुर पहुंच रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति 23 अप्रैल के दोपहर 1 बजे विशेष उड़ान से नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उसके बाद का समय राजभवन में आरक्षित रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा शाम 5 बजे भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन होगा, पश्चात वे राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार 24 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे नागपुर एयरपोर्ट से नांदेड़ एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 4 बजे उदगीर जिला लातूर में वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रमजान के मुबारक पवित्र महीने में गांजाखेत निवासी हाजी नदीम इकबाल की 9 वर्षीय बेटी मारिया और 7 वर्षीय बेटे इकबाल ने इस गर्मी के मौसम में अपने रब को राजी करने के लिए रोजा रखा। इन बच्चों ने देशवासियों में भाईचारे और अमन के लिए दुआ मांगी और घर के बड़ों ने भी बच्चों को दुआओं से नवाजा। दादा शमीम इकबाल, बड़े पापा हाजी जावेद इकबाल, बड़े पापा हाजी वसीम इकबाल ने भी बच्चों के लिए दुआ मांगी। सिंधु युवा शक्ति सामाजिक व बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जरीपटका पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष बाकल को पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। संस्था के अध्यक्ष महेश भट्टेजा ने बाकल का स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था के महासचिव राजेश धनवानी, घनश्याम लालवानी, धीरज जेठानी व युवा मजदूर फाउंडेशन के अध्यक्ष खेमराज दमाए उपस्थित थे। टीम की परिक्षेत्र के एक सर्वसाधारण घर के चर्मकार समाज के एक होनहार बच्चे ने सेट व GE मेंस पास करके सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर कैलिफोर्निया में BTech की पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त किया। लोकित गिरीश कावस्कर का स्वागत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर महासचिव संदीप मिंढे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस नागपुर विद्यापीठ अध्यक्ष रुद्र धाकड़े, जीतू पारडे व अन्य प्रमुख लोगों ने किया। इस सत्कार के पीछे अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और ऐसे छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात समाज और देश का उत्थान कराना हमारी इच्छा है, इस आशय के विचार राकापा पदाधिकारियों ने व्यक्त किए। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,404 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 4,76,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 840 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। विम्स अस्पताल ने तनुश्री के परिवार की खुशी को तिगुना कर दिया है। विम्स अस्पताल में तनुश्री ने 3 संतानों को जन्म दिया है। अस्पताल में यह पहली ट्रिपलेट डिलीवरी हुई है। यह वास्तव में परिवार के लिए खुशी का क्षण था जब तनुश्री और उनके पति सुमित को गर्भावस्था के दौरान पता चला था कि गर्भ में 3 शिशु पल रहे हैं। यह दंपति के लिए खुशी का समय था, लेकिन साथ ही एक बार में 3 बच्चे पैदा करने की चिंता भी बनी रही। चिंता और घबराहट कुछ दिनों के बाद बढ़ गई जब तनुश्री को गर्भावस्था के 25 सप्ताह में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ बुखार हो गया, जिसे गर्भावस्था के दौरान गंभीर माना जाता है। बहरहाल उन्हें डॉक्टर आरती कालबांडे से मिलने की सलाह दी गई। वे विम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। तनुश्री को वहां भर्ती कराया गया और उनका इलाज शुरू किया गया। करीब 4 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। तनुश्री में गर्भावस्था से संबंधित कई जटिलताएं उत्पन्न हुई, जिससे मां और बच्चों के जीवन को खतरा होने की आशंका थी, लेकिन अस्पताल की टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुफ्त शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत दिए जाने प्रवेश के लिए गठित RTE वेरिफिकेशन कमेटी पर
प्रशासन द्वारा आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शहीद शरीफ की नियुक्ति की गई है। इस सत्र में कोई भी आवेदन किसी भी दस्तावेज के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा। तत्काल प्रवेश की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। श्री दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल की नई कार्यकारिणी का विधिवत पदारोहण व शपथ ग्रहण कार्यक्रम शैक्षणिक मंडल कार्यालय दोसर वैश्य भवन बलदेव सभागृह में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन व माँ सरस्वती व भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण के पश्चात दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल की पूर्व सदस्य एवं महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा शीला देवी गुप्ता, दीपा गुप्ता, महिला मंडल की अध्यक्षा सीमा गुप्ता, सचिव अर्चना गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष नरेश गुप्ता, हरिनारायण गुप्ता, चुनाव अधिकारी मनोज गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। शीला देवी गुप्ता ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप रामगोपाल गुप्ता को शपथ पत्र देकर अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई एवं कार्यभार सौंपा। उसके पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप रामगोपाल गुप्ता ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी उपाध्यक्ष राजकुमार जगन्नाथ गुप्ता, शीला संजय गुप्ता, सचिव के लिए दीपक निहालचंद गुप्ता, सहसचिव राजेश रामलाल गुप्ता, नंदकिशोर चंद्रशेखर गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए अविनाश गौरीशंकर गुप्ता को शपथ दिलाई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बुके एवं शॉल प्रमाण पत्र देकर स्वागत किया गया। प्रबंध समिति सदस्य के रूप में शपथ एडवोकेट शैलेश सीतानी द्वारा पद्मेश गुप्ता, रामनारायण गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, संजय गुप्ता, सुरेश गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, विकास गुप्ता, दिनेश गुप्ता, आशीष गुप्ता को शपथ दिलाई गई और उन्हें आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी गई। गुलमोहर प्लाजा गोरेवाड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर शोभायात्रा निकाली गई। भागवताचार्य पंडित त्रिलोकीनाथ पांडे ने प्रथम दिवस अपनी अमृतमय वाणी में कहा कि धुंधकारी का भाई गोकर्ण सत्व गुणों से परिपूर्ण था। धुंधकारी के प्रेत को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराकर उसे मोक्ष की प्राप्ति कराई। कथा का समय रोज दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रखा गया है। इस अवसर पर नंदलाल मिश्रा, बिपिन बिहारी मिश्रा, विजय तिवारी, राम विवेक मिश्रा, कमलेंद्र तिवारी, महेंद्र पांडे, सतीश मिश्रा, राजेश मिश्रा, सुनील पांडे, शंकर मिश्रा, योगेश त्रिपाठी, राजेश द्विवेदी, कमलेश विकास तिवारी, पंडित हरीश शर्मा, शैलेंद्र तिवारी, सुनील महाराज, अमित तिवारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। गत शनिवार को दिन दहाड़े इतवारी के सराफा व्यापारी केतन कामदार को पाचपावली पुल पर लुटेरों ने उनकी आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट लिया। लुटेरे सराफा व्यापारी का बैग, दुपहिया गाड़ी व मोबाइल लूटकर 5-6 चाकू के घाव मारकर फरार हो गए थे। इस घटना से सराफा व्यापारियों में दहशत फैल गई थी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने खुद घटनास्थल का मुआयना किया और हर हाल में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के दिशा निर्देश पुलिस विभाग को दिए। पुलिस विभाग ने भी तत्परता दिखाई और समय न गंवाते हुए 10 घंटे के भीतर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस विभाग की सक्रियता से सराफा व्यापारियों को हौसला बढ़ा है। पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने में मिली सफलता पुलिस आयुक्त की कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। उनकी इस कुशल कार्यप्रणाली से ही महाराष्ट्र पुलिस विभाग में नागपुर पुलिस विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नागपुर पुलिस की इस सफलता से अभिभूत होकर नागपुर सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस जिमखाना सिविल लाइन्स नागपुर में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का पुष्प गुच्छ देकर सराफा व्यवसायियों की ओर से आभार व्यक्त किया। जीएच रायसोनी बिजनेस स्कूल नागपुर द्वारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन रिसर्च वर्क तथा प्रोजेक्ट राइटिंग गाइडेंस इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में MBA के अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज की तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट और रिसर्च पेपर कैसे लिखे इसके बारे में अनुभव तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यशाला के लिए विशेष वक्ता के तौर पर डॉक्टर शाइनी चीप, DMIMS नागपुर के संचालक तथा संशोधन प्रमुख को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर RBS की संचालक डॉक्टर आरती देशपांडे मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यशाला को सभी प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कार्यशाला की सफलता के लिए सदस्यों ने कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर सोफिया अंसारी तथा डॉक्टर कांचन देवल के मार्गदर्शन में अथक परिश्रम किए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिस तेज रफ्तार से ST कर्मी नौकरी पर वापसी कर रहे हैं उससे अधिकारियों को आशा है कि वे जल्द अपनी फुल संख्या 450 बसों के साथ सभी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा शुरू कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बीते 7 महीनों से ST बस व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। स्थानीय निवासी आने जाने के लिए निजी बसों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें उनकी जेब तो ढीली हो ही रही है, साथ ही समय भी ज्यादा लग रहा है। सूत्रों की माने तो ST हड़ताल समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। ज्यादातर कर्मचारी नौकरी पर लौटने को ही सही निर्णय मान रहे हैं। इसी कारण हड़ताल से मोह भंग होने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है।
अभी तक करीब 1283 एसटी कर्मी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, 145 कर्मचारी और बचे हैं। अधिकारियों की माने तो इन कर्मचारियों में सबसे ज्यादा संख्या ड्राइवर और कंडक्टर की है, जो बसों को चलाने में अपना अहम योगदान देते हैं। एसटी प्रबंधन को उन्हीं का इंतजार था। जैसे जैसे एसटी बसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे महामंडल की आय भी बढ़ रही है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मंगलवार को कहा कि भाजपा को उन राज्यों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देने चाहिए जहां वह सत्ता में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा राज्य सरकार से की गई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के संदर्भ में तोगड़िया ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में थी तब उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। तोगड़िया ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, मैं भाजपा में अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहले उन राज्यों में लाउडस्पीकर हटाए जहाँ उनकी पार्टी सत्ता में है। आप महाराष्ट्र में विरोध कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में लाउडस्पीकर नहीं हटा रहे हैं। राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन्होंने यह भी कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तब यह मांग नहीं उठाई गई थी। तोगड़िया ने कहा, हमने लगभग 10 साल पहले महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी और हम पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश को पूरे देश में लागू करना चाहिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में विश्व हेरिटेज सप्ताह के तहत 18 अप्रैल 2022 को विश्व हेरिटेज दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा नागपुर में हेरिटेज वॉक तथा नैरो गेज रेल म्यूजियम, मोतीबाग एवं नैरो गेज रेल म्यूजियम नैनपुर में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत नागपुर में 5 विभिन्न स्कूलों के 24 बच्चों एवं नैनपुर में चित्रकला प्रतियोगिता में 24 एवं क्विज में 18 बच्चों ने भाग लिया। इस अवधि में दर्शकों के आकर्षण के लिए नैरो गेज के इंजन, डीजल इंजन एवं अन्य धरोहर की साज सज्जा की गई है। इसी कड़ी में नैरो गेज रेल म्यूजियम मोतीबाग में 22 अप्रैल को शाम 6 बजे स्कूली बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा तथा 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे विशेष आमंत्रित अतिथि डॉक्टर बीवी खरबदे, सेवानिवृत्त डायरेक्टर नेशनल रीजनल लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन लखनऊ की उपस्थिति में एक संगोष्ठी व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। वीएमवी कॉमर्स, जेएमटी कला और जेजेपी साइंस कॉलेज वर्धमान नगर नागपुर ने हाल ही में गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में भौतिकी और रसायन विज्ञान के पीजी छात्रों के लिए एक दिवसीय शैक्षिक दौरे का आयोजन किया था। पीजी के कुल 42 छात्रों ने गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र का दौरा किया था। इस शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य चिकित्सा और कृषि क्षेत्र के गाय के पंचगव्य उत्पाद के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। डॉक्टर एसआर चौबे भौतिकी विभागाध्यक्ष औद्योगिक टूर के संयोजक थे। उनके साथ एके नंदनवार, डॉक्टर बीटी बोरकर, जीसी वंदिले, डॉक्टर जय ए तन्ना, सुश्री लता एन पारधी, दीपक जनार्दन, अमित कंगाली और किशोर डोंगरे ने मिलकर प्राचार्य डॉक्टर एमजी चांदेकर के कुशल मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।